नमस्ते, स्वागत है आपका इस अनोखी कक्षा में जहां पर आप हिंदी में कंप्यूटर संबंधित ज्ञान पा सकते हैं। मेरा नाम है मयंक मलिक और इस कक्षा का शीर्षक है कंप्यूटर के बुनियादी भाग एवं कीबोर्ड का कैसे इस्तेमाल करें। कंप्यूटर के सभी बुनियादी भाग हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और बिजली के तार कंप्यूटर के बुनियादी भाग हैं। कंप्यूटर को देखते ही ये सभी भाग आपको नजर आते हैं। इन भागों के अलावा अन्य हार्डवेयर भाग कंप्यूटर पेटी में होते हैं और बाहरी उपकरण जो वैकल्पिक टुकड़े होते हैं आपके अतिरिक्त कार्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि प्रिंटर या स्कैनर। आइए हम कंप्यूटर के ये बुनियादी भागों पर एक नजर डालते हैं, या यूं कहें कि वे सभी भाग जिनके द्वारा आप कंप्यूटर से बातचीत करेंगे। कंप्यूटर केस, ये धातु एवं प्लास्टिक से बना वो बक्सा है जो कंप्यूटर के मुख्य उपकरणों को एक साथ जोड़कर रखता है। इसमें मदरबोर्ड, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पावर सप्लाई इत्यादि होते हैं। कंप्यूटर केस अलग अलग आकृति और आकारों में आते हैं। एक डेस्कटॉप केस आमतौर पर मेज पर सपाट रखा जाता है और मॉनिटर उसके ऊपर बिठाया जाता है, और टावर केस अपने आकार में लंबा होता है तथा इसे मॉनिटर के बगल में रखा जाता है। आमतौर पर इन पेटियों के सामने कंप्यूटर शुरू एवं बंद करने का बटन होता है तथा एक एवं एक से अधिक ड्राइव्स होती हैं। आजकल आप जो पीसी खरीदते हैं या खरीदने जाएंगे उनमें टावर केस ही होते हैं, और कुछ कंप्यूटर जैसे कि iMac में सभी कंप्यूटर भागों को मॉनिटर में ही जोड़ के रखा जाता है, जिससे कि टावर की जरूरत नहीं पड़ती। मॉनिटर एक वीडियो कार्ड द्वारा काम करता है जो कि कंप्यूटर में उसकी पेटी के अंदर स्थित होता है। मॉनिटर का काम स्क्रीन पर चित्र एवं अक्षरों को प्रदर्शित करना होता है। मॉनिटर दो मुख्य प्रकार के होते हैं, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब और LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आजकल LCD वाले मॉनिटर्स का प्रचलन ज्यादा है। ये एक मेज पर कम जगह लेते हैं। CRT मॉनिटर का आकार बड़ा होता है और ये TV की तरह दिखते हैं। ये LCD मॉनिटर से सस्ते होते हैं। LCD मॉनिटर्स आकृति में पतले होते हैं एवं ऊर्जा बचाते हैं, लेकिन इनकी लागत अधिक होती है। कुछ वर्षों में आप CRT मॉनिटर्स कम और LCD मॉनिटर्स की तादाद ज्यादा देखेंगे। आपके मॉनिटर के सामने शुरू एवं बंद करने का एक बटन होता है। इसके अलावा अन्य नियंत्रण बटन होते हैं जिनके द्वारा आप मॉनिटर पर प्रदर्शन व्यवस्था अथवा अपने देखने को अनुकूल बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मॉनिटर्स में अंदरूनी स्पीकर भी होते हैं। पावर कॉर्ड आपके बिजली स्विच और कंप्यूटर पेटी स्थित बिजली इकाई के बीच की कड़ी है। अगर पावर कॉर्ड ठीक प्रकार से दोनों ओर नहीं लगी हो तो कंप्यूटर शुरू नहीं हो सकता है। एक अच्छे विचार से पावर कॉर्ड को UPS यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई द्वारा कंप्यूटर केस में लगाया जाता है, जो अपनी ही अस्थायी शक्ति के स्रोत के साथ एक वृद्धि रक्षक के रूप में कार्य करता है। कीबोर्ड कंप्यूटर का वह भाग है जो टाइपराइटर जैसा दिखता है।
हम अपने प्राथमिक तरीकों में कीबोर्ड का इस्तेमाल कर कंप्यूटर से बातचीत करते हैं। इसके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं एवं उसे अन्य जानकारी प्रदान करते हैं। हालांकि कुछ कीबोर्ड्स दिखने में थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, परंतु मूल रूप से इनका कार्य एक ही होता है। कीबोर्ड का मुख्य भाग अंग्रेजी अक्षरों एवं नंबरों की कुंजियों से बनता है, जिनको अल्फा न्यूमेरिक कीज भी बोला जाता है। हालांकि इसके अलावा कुछ विशिष्ट कुंजियां भी होती हैं, जो आपके कार्य को आसान बना देती हैं। एस्केप कुंजी पर ESC अंकित होता है। ये आपको किसी क्रिया या कार्य को तुरंत बंद करने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कंप्यूटर किसी कार्यवश अधिक व्यस्त हो जाता है, तो आप एस्केप कुंजी द्वारा वह कार्य तुरंत बंद कर सकते हैं। फंक्शन कीज कीबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर होती हैं, एवं इन पर F1, F2 से F12 तक अंकित होता है। ये लघु रीति द्वारा कुछ कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें सामान्य भाषा में शॉर्टकट कीज भी बोला जाता है। उदाहरण के लिए, F1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हेल्प विंडो खोलती है। प्रिंट स्क्रीन, स्क्रोल लॉक, पॉज अथवा ब्रेक कीज कीबोर्ड के दाहिने तरफ होती हैं। प्रिंट स्क्रीन आपको आपके स्क्रीन की तस्वीर लेने में सहायक होती है, जिसे आप किसी ग्राफिक्स प्रोग्राम के जरिए संपादित कर सकते हैं। एंटर की कंप्यूटर को आदेश देती है। जैसे कि आप जब इंटरनेट पर हों, तो वेबसाइट का नाम लिखने के बाद एंटर दबाएंगे, तो कंप्यूटर आपको उस वेबसाइट पर ले जाएगा। कंट्रोल, अल्टरनेट, शिफ्ट कीज पर CTRL, ALT और तीर जैसे निशान अंकित होते हैं। ये तीनों कुंजियां अन्य कुंजियों के साथ काम करने के लिए अभिकल्पित हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप Ctrl+S दबाएंगे, तो फाइल सेव हो जाती है। बैकस्पेस की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर मिटा देती है। चार एरो कीज कंप्यूटर के दाहिने तरफ होती हैं। इनको दबाने से कर्सर उस दिशा में चलता है जिस दिशा की एरो की होती है। डिलीट की कर्सर के दाईं ओर के अक्षर मिटा देती है। इंसर्ट की दो अक्षरों के बीच अंतर्गत कर और अक्षर लिखने में सहायक होती हैं। होम की कर्सर को लाइन की शुरुआत पर ले आती हैं। एंड की कर्सर को लाइन के अंत पर ले आती हैं। पेज अप और पेज डाउन कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर और एक स्क्रीन नीचे ले आती हैं। आइए अब हम दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा। हमें ये मालूम पड़ गया कि कंप्यूटर के बुनियादी भाग कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर केस, मॉनिटर, पावर कॉर्ड इत्यादि। हमें कीबोर्ड का भी ज्ञान हो गया और ये मालूम पड़ गया कि कितनी प्रकार की कुंजियां होती हैं। धन्यवाद।